हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी फर्स्ट बुक स्टार्ट है एलजेब्रा एंड टिक्नोमेट्री। उसमें मैं टिक्नोमेट्री की बैक टू बैक वीडियोस कर रहा हूँ, बट अब काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है, उसके कुछ रीजंस थे, बट अब बैक टू बैक वीडियोज़ आएंगी, ठीक है। तो ये आज जो हमें टिक्नोमेट्री में फंक्शंस ऑफ ए टू वेरिएबल्स वाला जो टॉपिक था, उसमें एक्सरसाइज फर्स्ट मैंने कराई थी, और उसमें एक्सरसाइज फर्स्ट की दो वीडियोस दी थी, लास्ट जो दी थी। उसके बाद ये थर्ड वीडियो है एक्सरसाइज फर्स्ट की, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उससे आपको कंसेप्ट मिलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो आज आखिरी वीडियो है, उसमें मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूले। और जैसा कि जितने भी सारे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सभी का कहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, बैक टू बैक वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। और देखिए, अब वीडियो स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप भी बना हुआ है मैथमेटिक्स वर्ल्ड के नाम से, उससे आप लिंक हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, आप ज्वाइन करें उसे, ठीक है। वहां किसी का क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। आइए वीडियो को अब शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, मैंने लगभग स्टार्टिंग के फर्स्ट एक्सरसाइज की, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कृष्णा प्रकाशन की हमारी बुक चली हुई है, तो स्टार्टिंग के आपको लगभग 7 क्वेश्चंस कराए थे, और जो ये आज क्वेश्चन मैं कराऊंगा ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है, एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं, वीडियो को भाई कहीं भी स्किप मत करना बिल्कुल भी। रिसोल्व e की पावर कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस माइनस आयोटा वाई, ठीक है, इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इंटू रियल एंड ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा लास्ट टाइम का रिपीट करा दे रहा हूं, हम रियल पार्ट्स का होता है, इमेजिनरी पार्ट्स का होता है। जैसे हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कोई फंक्शन दिया, तो ये होता है इसमें रियल पार्ट, बार बार मैं बताता हूं हर वीडियो में, इसमें भी बता रहा हूं आपको, और ये वाला जो होता है इसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। और ये आई क्या होता है इसमें, आयोटा, ठीक है, ये होता है हमारा आयोटा। तो ये कह रहा है रिसोल्व ई की पावर कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस माइनस आयोटा वाई इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जो ये हमें फंक्शंस दिया हुआ है ई की पावर में, ये हमें इमेज का, हमें इमेजिनरी और रियल पार्ट्स अलग अलग करके दिखाना है, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो हमें सोल्व कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब मैंने रियल भी बता दिया आपको, रियल पार्ट्स कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट्स होता है, वो भी बता दिया। तो देखिए, अब सबसे पहले दो क्वेश्चन है एक तरीके से हमारे, कैसे कैसे, देखिए एक क्वेश्चन हमारे ये बना, ई की पावर कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई, और ई की पावर कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस आयोटा वाई, ये हमारे दो क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ये आप खुद ट्राई कर लेना, जिस तरीके से आपको ये बताया जाएगा इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है, आपका हो जाएगा। क्योंकि प्लस माइनस है, तो कहने का मतलब ये है, एक पार्ट में इन्होंने दे दिए दो क्वेश्चन, ठीक है। हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना, प्लस वाला मैं आपको बता रहा हूं, और माइनस वाला आप खुद भी कर सकते हो जब आपको प्लस वाला समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन काफी इंटरेस्टिंग है, अच्छा है और सिंपल है बिल्कुल, और क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लिखते हैं e की पावर कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई, प्लस वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल और ब्रैकेट में कोस
हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं अभी इसे, क्योंकि e को भी तो हम एक्सपोनेंशियली बोलते हैं, तो इसे एक्सपोनेंशियल में हमने लिख दिया। ठीक है, अब हाइपरबोलिक फंक्शंस को कर दो आप आयोटा में कन्वर्ट, जो मैंने बताया था लास्ट फॉर्मूला, देखिए अब मैं बता रहा हूं आपको, कोस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई बाय दिस फॉर्मूला, देखिए हाँ मैं लिख रहा हूं आपको, कोस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल्स टू कोस आयोटा एक्स, जो स्टार्टिंग वाली वीडियोस में आपको बताया गया था। देखिए जो भी है ना, आपको प्लेलिस्ट बनाई जा रही है, जैसे कि काफी स्टूडेंट्स का ये मानना था कि भाई हमें सारी वीडियोस नहीं मिल पा रही हैं ये वो, बट देखिए ऐसा है, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां आपको हर टॉपिक की वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, आप स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देखें, जब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग से आप कोई भी टॉपिक ही देखते हो तो गारंटी है भाई इस बात की कि आपको समझ में पक्का आएगा, और कोई भी वीडियो स्किप मत करना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमने इसे सबसे पहले इस फॉर्मूले के द्वारा कोस हाइपरबोलिक, जिसके हाइपरबोलिक इसे एक्स की तरह ट्रीट करें, तो कोस हाइपरबोलिक एक्स हुआ ये, इसको हमने आयोटा में कन्वर्ट किया इस फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए इस आयोटा की कर दीजिए अंदर मल्टीप्लाई, कोस ये हो जाएगा आयोटा एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई हो जाएगा, इस आई की यहाँ की हमने आयोटा एक्स, ये हो जाएगा आई स्क्वायर वाई। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस के वाई। ठीक है, ये आ जाएगा भाई हमारा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, आई की जैसे ही हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये बन जाएगा। इसके बाद देखिए कोस ए माइनस बी करके इसे फॉर्मूला खोल दीजिए, बस कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला वो आपको याद होना चाहिए भाई, बेसिक की सब वीडियोस बना रखे हैं, अब स्टार्टिंग से देखोगे आपको 101% समझ में आएगा, आपको उस चीज से मटर में कि वीडियो इतनी बड़ी बड़ी है, बट आपको देखिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी, वीडियो आप कोई भी स्किप मत करना बिल्कुल भी, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, कोस आयोटा एक्स कोस ए माइनस बी का मैं फॉर्मूला खोल रहा हूँ। ठीक है, फिर हमारा कोस वाई और प्लस साइन आयोटा एक्स और ये साइन वाई, ये हमने फॉर्मूला खोला। ठीक है, इसके बाद देखिए जब हमने फॉर्मूला खोल दिया, इसके बाद आयोटा वाली जो है ना हाइपरबोलिक में चेंज हम कर सकते हैं, ई की पावर मतलब एक्सपोनेंशियल लिखा और ये कोस आयोटा एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स लिख सकते हैं और फिर कोस वाई हो गया हमारा। ठीक है, प्लस ये हमारा हुआ देखिए साइन आयोटा एक्स, यहां ये चीज है साइन आयोटा एक्स को, देखिए मैं आपको बता देता हूं, साइन आयोटा एक्स दिया हुआ है तो आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स ये हम यूज कर लेंगे इसकी जगह, तो आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है भाई, आप कमेंट करके बताना अगर कहीं भी आपको कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो आपको जरूर सॉल्यूशन दिया जाएगा, बट आपको बताना जरूर है कि आपको ये चीज समझ नहीं आई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बस ये हमारा क्वेश्चन, हमें लगभग हमारा 50% काम हो गया है यहाँ पर जाके इसी स्टेप पर, देखिए ये इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, कैसे लिख दिया हमने भाई, ये तो हमारा क्या हुआ एक तरीके से, ये हमारा रियल पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ हमारा कहीं भी आई नहीं आ रहा, इसमें आई आ रहा है हमारा, तो हो गया इमेजिनरी पार्ट्स में। अब यहां हम लिख देंगे वेयर ए इज इक्वल्स टू कोस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कोस वाई और बी इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक एक्स और साइन वाई, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद डायरेक्टली अपने उसी काम पर आ जाइए, फिर इसे हम कर देंगे ई की पावर की फॉर्म में डायरेक्टली चेंज, ई की पावर ए प्लस आयोटा बी, अब इसे अलग अलग लिख दीजिए आप, कैसे ई की पावर ए इंटू e की पावर आयोटा बी, अरे देखिए इसका खोल दीजिए आप फॉर्मूला, आयोटा बी वाले का फॉर्मूला खोल सकते हैं, कौन सा अभी आपको बताया जाएगा, e की पावर a इंटू कोस बी प्लस आयोटा साइन बी, या फॉर्मूला खोल सकते हैं किसके द्वारा, ये भी लिख दे रहा हूं मैं यहां पर देखिए बाय, ये आपको साइड में रीजन दे सकते हैं भैया, और अच्छा इफेक्ट पड़ेगा जो हमारी कॉपी चेक करेगा। ठीक है, ई की पावर
आयोटा थीटा का क्या फॉर्मूला होता था हमारे स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमने ये वाला फॉर्मूला खोल दिया। बस फिर सिंपली देखिए हमारा क्वेश्चन लगभग हो गया है, हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बस। e की पावर a कोस b प्लस e की पावर आयोटा e की पावर a इंटू साइन b, ये हमने यहां पुट कर दिया। अब यहां पर हम एक और बार रीजन दे देंगे कि वेयर, जहां a इज इक्वल्स टू कोस हाइपरबोलिक x इंटू कोस y और b इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक x इंटू साइन y, ठीक है, ये हमने यहां रीजन दे दिया है। तो यहां पर देखिए हमारा पूरा क्वेश्चन जाके सॉल्व हो गया है, इतना काम हमने कर दिया। अब दिखा देंगे इसमें क्या भाई, ये हुआ हमारा कौन सा रियल पार्ट्स और ये वाला हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। देख सकते हैं आप, देखिए अगर आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है तो देखिए अब आपको दिखेगा, ये हमने यहां रियल पार्ट लिख दिया है और ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है भाई, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा, अब इससे देखिए नोवा क्वेश्चन देख सकते हैं आप। अब देखिए कुछ बच्चों के मन में एक और क्वेश्चन था कि भैया हम किसी और यूनिवर्सिटी से हैं, हम बुक्स कौन सी लें ये वगैरह। तो देखिए मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये कृष्णा प्रकाशन के अकॉर्डिंग, जो हमारी कृष्णा प्रकाशन की बुक है उसके अकॉर्डिंग मैं करा रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन ये टॉपिक हर बुक में सेम ही मिलेंगे आपको, कुछ क्वेश्चंस चेंज मिल सकते हैं बस थोड़े बहुत और कुछ नहीं, बट आपको देखिए जो भी कुछ कराया जा रहा है वीडियो में, हर वीडियो हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वीडियो देख सकते हैं क्योंकि मैथ्स का लगभग सिलेबस सेम सा ही है सबका, टॉपिक्स थोड़ा आगे पीछे है और कुछ नहीं, और थोड़ा क्वेश्चन वगैरह। तो आप जो भी हैं आप अपनी प्रैक्टिस रखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा भाई बेसिक पर ज्यादा दबाव देता हूं, तो बेसिक तो कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स देख सकते हैं, ठीक है। यह हमारा एर्थ क्वेश्चन था, देखिए एर्थ, और देखिए इसमें माइनस वाला जो माइनस वाला पार्ट है ये आप खुद कर लेना, ठीक है, यहां पर इसके अकॉर्डिंग। फिर भाई आपका नोवा क्वेश्चन है वो भी इस तरीके का, बस उसमें साइन हाइपरबोलिक दे दिया और अंदर का ये पार्ट्स दे दिया हमारा। तो साइन वाला फॉर्मूला आप खोल दोगे, साइन ए माइनस बी ए प्लस बी का, तो नाइन्थ क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और करा दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखिए टेंथ क्वेश्चन ही लेते हैं, ठीक है भाई, इसको मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं कि ये हमारा था e की पावर की फॉर्म में, e की पावर तो एक ही से हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल, और ये वाला पार्ट फिर कोस हाइपरबोलिक फंक्शंस में था तो इसे आयोटा में हमने कन्वर्ट किया, फिर आई के अंदर मल्टीप्लाई की, यहां पर मल्टीप्लाई की आयोटा एक्स हुआ, फिर इसे आई की यहां मल्टीप्लाई की तो आई स्क्वायर वाई हुआ, तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, तो हमने यहां माइनस आ गया, ठीक है। फिर ये हमारा कोस ए माइनस बी का हमने फॉर्मूला खोला, फिर आयोटा वाले को हमने हाइपरबोलिक में चेंज कर दिया, फिर ये हमारा रियल पार्ट्स आ गया इमेजिनरी, फिर हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया जहां हमने रीजन दे दिया कि हमारा ए यहां पर ये है और बी यहां पर ये है, ठीक है। इसके बाद ही हमने इसे अलग अलग करके लिख दिया क्योंकि जहां हमारे बेस ही समान होते हैं वहां गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो e की पावर n टू e की पावर आयोटा बीटा, अब आयोटा बीटा का हमने फॉर्मूला खोला, फिर इसकी मल्टीप्लाई की, हमारे रियल पार्ट्स था कि हमारे इमेजिनरी पार्ट्स था, तो इतना काम आपको इस क्वेश्चन में करना है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन बिना वक्त गवाए हुए, भाई आपको बताना जरूर है कमेंट करके कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं भाई सबको बताना है, जितने भी हमारे इस परिवार से जुड़े हुए हैं मैथमेटिक्स वर्ल्ड एक चैनल, इस चैनल से जुड़े हुए हैं सबको बताना है अच्छी तरीके से, ठीक है। देखिए अब हम टेंथ क्वेश्चन लेते हैं अपना, ये कह रहा है इफ साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा
बीटा वो सॉरी एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, प्रूव दैट कोमा प्रूव दैट या टू प्रूव कुछ भी लिखिए आप, फर्स्ट पोर्शन दिया हुआ है इन्होंने क्या एक्स स्क्वायर कोस कोसेक स्क्वायर सॉरी कोसेक स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू वन और सेकंड पार्ट से दिया हुआ है इसमें एक्स स्क्वायर सेक हाइपर स्क्वायर अल्फा सॉरी सेक हाइपर स्क्वायर बीटा प्लस वाई स्क्वायर कोसेक हाइपर स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू वन ठीक है। तो भाई हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है काफी इजी क्वेश्चन है और अच्छा भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है कई बार ठीक है। तो मैं इसका आपको प्रूफ बताता हूं। अब क्या है देखिए मैं क्वेश्चन में आपको पढ़ के बता रहा हूं क्या कहा गया है इसमें हमें क्या करना है। इफ मतलब यदि साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई ये हमें गिवन कंडीशन है और प्रूफ करनी है हमें ये दोनों चीजें एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू वन और सेकंड पार्ट हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर सेक हाइपर स्क्वायर बीटा प्लस वाई स्क्वायर कोसेक हाइपर स्क्वायर बीटा बराबर वन। इससे ही हमें ये दोनों पार्ट्स प्रूफ करने हैं। तो देखिए कैसे हम प्रूफ करते हैं इसे मान लो आप सबसे पहले गिवन साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा और जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं उस तरीके से आप मुझे थोड़ा थोड़ा फॉलो करें। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट ठीक है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इस तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है ठीक है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए यहां साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलिए आप साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई ठीक है। इसके बाद भाई हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोला इसे ए माना इसे बी माना साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी ठीक है वो हमने खोला। अब उसके बाद साइन ए फिर देखिए आयोटा बीटा है कोस आयोटा बीटा इसे हाइपरबोलिक में चेंज करें कोस हाइपरबोलिक बीटा प्लस कोस अल्फा इंटू साइन आयोटा बीटा है साइन आयोटा बीटा फिर इसे चेंज करें तो ये हो जाएगा हमारा आयोटा साइन हाइपरबोलिक बीटा। अब इसको आप ऐसे ना लिख के इसे ऐसे लिखिए आयोटा साइन हाइपरबोलिक बीटा इंटू कोस अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ये लिख दिया। फिर इसमें रियल और कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ये हमारा रियल आ गया और ये आ गया हमारा इमेजिनरी पार्ट क्योंकि आयोटा जुड़ा हुआ है इसमें आयोटा है नहीं और यहां भी ये देखिए रियल है और ये वो है हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो यहां कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स कर रहे हैं कंपेयर तो x इज को यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ x इज इक्वल्स टू साइन अल्फा इंटू कोस हाइपरबोलिक बीटा और y इज इक्वल्स टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक बीटा ओ सॉरी कोस अल्फा क्योंकि वे तो आयोटा के साथ है तो y की वैल्यू हमें यहां से प्राप्त हुई कोस अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा ठीक है। ये वही इक्वेशन मान लीजिए इसे सेकंड और इसे मान लीजिए थर्ड ये दोनों हमारी चीजें प्राप्त हुई में कंपेयर करके फिर वी नो दैट हम जानते हैं जो हमें प्रूफ करना है अब उस पर आ जाते हैं वी नो दैट
क्या कोस हाइपर स्क्वायर बीटा माइनस साइन हाइपर स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू वन होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग वाली जो सेकंड या सेकंड वीडियो जो थी या फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये हमारा वन होता है, प्रूफ करके भी दिखाया था बकायदा, ठीक है। तो इसे आप इस तरीके से याद रखना, इसे यहां बस हम करते थे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन होता था। तो हाइपरबोलिक में कोस स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस साइन हाइपर स्क्वायर बीटा माइनस आ जाता है, बस इस तरीके से आप याद कर लेना अगर आपको नहीं भी क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। तो हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हम जानते हैं, हम इसका यूज करेंगे जो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो बस देखिए, फिर यहां देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू है कहां है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, यहां से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए यहां से फ्रॉम टू ये है हमारा, तो यहां से कोस हाइपरबोलिक बीटा की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगी, एक्स अपॉन साइन अल्फा आ जाएगी, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहां से निकालते हैं साइन साइन हाइपरबोलिक बीटा की फ्रॉम थर्ड साइन हाइपरबोलिक बीटा की, तो ये क्या आ जाएगी, वाई अपॉन कोस अल्फा। डायरेक्ट आप पुट कीजिए यहां ये सारी वैल्यूज, एक्स अपॉन साइन अल्फा और पूरे का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो y अपॉन कोस अल्फा पूरे का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। अब देखिए यहां से आपको दिख ही रहा होगा कि हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया है बिल्कुल, एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू वन, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड, ठीक है। क्योंकि वन अपॉन साइन कोसेक, अब स्क्वायर है स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वन अपॉन कोस सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू वन, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। फिर यहां लिख देंगे फर्स्ट पार्ट प्रूफ्ड, ठीक है। तो भाई ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो हमने प्रूफ कर दिया। अब देखिए इसमें सेकंड पार्ट है, खुद कर लेना। कैसे करोगे भाई, उसे कैसे करोगे, उसे आप नॉर्मली अपने थीटास वाले फॉर्मूले से करना। कैसे, देखिए यहां से आपने निकाली, फिर आप निकालना कोस हाइपरबोलिक बीटा बीटा की वैल्यू, यहां से आपने निकाली कोस हाइपरबोलिक बीटा की वैल्यू, फिर यहां से निकालना आप अल्फा की वैल्यू। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूं सेकंड पार्ट प्रूविंग पार्ट सेकंड की दिखा रहा हूं मैं। वी नो दैट फिर वी नो दैट अब देखिए हम जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। अब यहां से देखिए साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, यहां से देखिए एक्स स्क्वायर और कोस हाइपर स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर की अल्फा की वैल्यू अगर आप यहां से निकालते हैं सही फ्रॉम थर्ड से, तो यहां आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर और साइन हाइपर स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू वन। फिर से देखिए इस फॉर्म में लिख दीजिए एक्स स्क्वायर इंटू सेक हाइपर स्क्वायर बीटा प्लस वाई स्क्वायर इंटू कोसेक हाइपर स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू वन, और यहां लिख देंगे सेकंड पार्ट प्रूव्ड अब देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन भाई, काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन था। सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन में क्या जो आपके मन में आ रही होगी अब भी देखने के बाद भी, वो क्या है कि हमने यहां कोस हाइपर स्क्वायर बीटा माइनस साइन हाइपर स्क्वायर बीटा ही क्यों यूज किया, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा ही बराबर वन क्यों यूज किया। तो देखिए एक बात है, और हमने यूज किया तो हमें कैसे याद रखना होगा कि हमें पेपर में कैसे याद रहेगा कि हमें ऐसे करना है, ठीक है ठीक है। तो भाई आपके मन में दो तीन क्वेश्चन होंगे तो उनका मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक चीज है, सबसे बड़ा क्या
कि जो हम ये फॉर्मूले यूज कर रहे हैं क्यों इस तरीके से कर रहे हैं भाई, ये कुछ एब्रीविएशन है जो हमें मानने ही पड़ते हैं भाई, ये हमें पता है। हमें देखिए प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमारे माइंड में हमें थोड़ा अपोजिट भी सोच कर चलना होगा, ठीक है। अपोजिट क्या भाई, हम इसे लेकर चलेंगे जबी तो ये प्रूफ हो जाएगा जल्दी से, नहीं तो आप कितने भी दम लगा लीजिए क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ही मैं जिस तरीके से इजी होता है वो आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो इसलिए ही हमने ये यूज किया पहला फॉर्मूला, फिर दूसरा ये कर दिया, इसके अकॉर्डिंग इजी था, बस हमने यूज कर दिया तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन थे अभी, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। तो देखिए भाई ये क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। देखिए फिर जो हमारा 11th क्वेश्चन है वो भी इस तरीके से हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई है और बराबर में दिया हुआ है ए प्लस आयोटा बी। तो देखिए इसे आप इनवर्स है तो उधर जाके ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस आई वाई, मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू कोस ए प्लस आयोटा बी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला वगैरह खोल दीजिए और डायरेक्टली आपका सॉल्यूशन प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो 11 में नहीं करा रहा हूँ। फिर 12th क्वेश्चन देखिए थोड़ा अलग है और थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, तो 12 हम लेते हैं, ठीक है। 12th क्वेश्चन, इफ टेन ऑफ थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, देन प्रूव दैट कोट हाइपरबोलिक वाई साइन हाइपरबोलिक 2phi is equals to cot x into sin 2 theta। यह क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। फिर अगला देखिए 13, वो भी इसी की तरह है, ठीक है, उस अभी हम इसी की तरह करेंगे। फिर अगले क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, तो ये वाला क्वेश्चन है देखिए कुछ इसी तरीके से, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे प्रूफ। इसे माने इक्वेशन फर्स्ट, अब मैं इसे नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आप समझना, ठीक है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट हमने ये मानी है, ये क्या हमारी लिख देते हैं साइन x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। इसके बाद देखिए, हाँ मैं देखिए साइन वाले को आगे लिख ले, ठीक है। टेन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन की फॉर्म में, साइन थीटा प्लस आयोटा फाई अपॉन कोस थीटा प्लस आयोटा फाई, साइन अपॉन कोस में कन्वर्ट कर दिया। फिर वही हमारा जो हम करते हैं लास्ट वीडियो में बताया था, फिर कोस नीचे वाले के रिशलाइजेशन कर देते हैं, रिशलाइजेशन की तरह, आप रिशलाइजेशन की तरह से याद करें जो इसके अपोजिट साइन से कर रहे हैं थीटा माइनस आयोटा फाई, ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या, फिर टू से मल्टीप्लाई, वो काम हमने किया। और ये क्यों कर रहे हैं हम, रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करने के लिए, क्योंकि इसके बिना भाई रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नहीं हो सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। चाहे आप करके देख सकते हो, अगर हो जाए तो बता देना, ठीक है, तो नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखिए यहां साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला खोलेंगे हम, साइन ए कोस बी, डायरेक्ट लिख दो आयोटा वाई को कोस हाइपरबोलिक वाई, है ना, यहाँ साइन ए कोस बी आएगा तो कोस आयोटा वाई आएगा तो कोस हाइपरबोलिक वाई, आयोटा वाई को हम डायरेक्टली हाइपरबोलिक फंक्शन में, प्लस आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई और साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन भी होता है ना, तो कोस एक्स ये आ जाएगा भाई हमारा, है ना, और आयोटा को हम फिर हमने साइन आयोटा वाई को हमने आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शंस में। फिर देखिए यहां टू साइन ए कोस बी का फॉर्मूला,
वो हमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। यहां में साइन टू साइन ए कोस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, टू कोस ए कोस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए साइन ए कोस बी का हमारा पहले ही फॉर्मूला है, तो इसका मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं, साइन थीटा प्लस आयोटा फाइ प्लस थीटा माइनस आयोटा फाइ, फिर प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा फाइ माइनस थीटा प्लस आयोटा फाइ, ये हमने किया, और अपॉन में टू कोस ए कोस बी, इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो इसका होगा हमारा कोस थीटा प्लस आयोटा फाइ प्लस थीटा माइनस आयोटा फाइ प्लस कोस थीटा प्लस आयोटा फाइ माइनस थीटा प्लस आयोटा फाइ, क्योंकि बाहर माइनस है उसके कारण हमारा चिन्ह चेंज हो गया, इससे ये कैंसिल हुआ और थीटा से थीटा कैंसिल हुआ, आयोटा फाइ से आयोटा फाइ, थीटा से थीटा, आप डायरेक्टली लिख देंगे इसे हमें क्या आएगा, ये आएगा हमारा साइन टू थीटा प्लस ये आएगा हमारा साइन टू आयोटा फाइ, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा टू फाइ आ जाएगा हमारा, फिर आएगा हमारा कोस टू थीटा प्लस ये आ जाएगा कोस आयोटा टू फाइ, ठीक है। बस फिर से चेंज करेंगे हम, क्या साइन टू थीटा प्लस आयोटा साइन हाइपरबोलिक टू फाइ, वैसे हाइपरबोलिक फंक्शंस में चेंज कर लिया मैंने, ठीक है, फिर कोस टू थीटा, फिर इसे हम करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शंस में चेंज, तो कोस हाइपरबोलिक टू फाइ बाय फॉर्मूला इज अकॉर्डिंग लिख दे रहा हूं, बार बार लिखता हूं तो आप भी एक तरीके से लिखना, कोस आयोटा एक्स इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स और साइन आयोटा एक्स इज इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है, ये हमने लिख दिया है। अब रियल और इमेजिनरी कैसे अलग अलग करेंगे, देखिए भाई ये हमारा चल ही रहा है साथ में, थोड़े लेंथी क्वेश्चन है तो आप भी देखिए वीडियो में बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल और बताना जरूर आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा, ये इसके साथ में चल रहा है, ठीक है, और ये वाली लाइन एक यहां भी आप लिख देना, फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन टू थीटा अपॉन कोस टू थीटा प्लस कोस हाइपरबोलिक टू फाइ प्लस आयोटा साइन हाइपरबोलिक टू फाइ कोस टू थीटा प्लस कोस हाइपरबोलिक टू फाइ। तो भाई देखिए हमारे रियल और इमेजिनरी तो अलग अलग दिख ही गया होगा आपको अब तक, आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई और कोस एक्स, ठीक है, आपको भाई रियल और इमेजिनरी तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट लिख दे रहा हूं मैं, कंपेयरिंग कर रहे हैं कंपेयर, तो ये बनेगा हमारा साइन एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल्स टू साइन टू थीटा अपॉन कोस टू थीटा प्लस कोस हाइपरबोलिक टू फाई, इक्वेशन फर्स्ट सॉरी इक्वेशन सेकंड मानो इसे, ठीक है, फर्स्ट तो हमारी हो गई थी, और ये आयोटा वाली क्या बन जाएगी हमारी साइन हाइपरबोलिक वाई कोस वाई इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक टू फाई
अपॉन कोस टू थीटा प्लस कोस हाइपरबोलिक टू फाई, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड हमारी बन गई। अब देखिए कुछ बच्चे होंगे जिन्हें कंपेयर नहीं करना आ रहा होगा रियल और इमेजिनरी पार्ट, ये बेसिक सी चीज है, इसमें हमें प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको कंपेयरिंग करना नहीं आ रहा काफी बच्चों के, क्योंकि भाई जब मैं पढ़ाता हूँ, देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका ही थोड़ा ऐसा है कि मैं काफी बेसिक में पहुंच जाता हूँ और जो चीज बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम कर दिया उसमें ज्यादा पहुंच जाता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो चीज आपको चाहे छोटी से छोटी चीज, भाई आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा ना कि भैया 2+2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, भाई मुझे पता है 4 होते हैं, बट आपको ये चीज नहीं आ रही, इसके ही मैं आपको कम से कम 36 तरीके बताऊंगा कैसे होते हैं। ठीक है, बेझिझक आप बिल्कुल पूछिए बिना शर्म के, कोई बिल्कुल शर्म नहीं रखनी, आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल मन से पढ़िए। ठीक है, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो आप बिना बेझिझक सारी चीजें पूछिए। ठीक है, तो भाई ये थी हमारी, बार बार ये कह रहा हूँ आप पढ़िए। तो कंपेयरिंग और रियल एंड इमेजिनरी देखिए कैसे करते हैं, ये हमारा रियल क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है, इसमें आयोटा है तो ये हमारा इमेजिनरी, फिर ये देखिए ये रियल है हमारा आयोटा नहीं है, फिर ये हमारा इमेजिनरी इसमें आयोटा है, तो आयोटा आयोटा वाले हमने एक साथ लिए, आयोटा हटाने के बाद क्योंकि हट ही जाएगा, जब कंपेयर करेंगे बराबर में रखेंगे, फिर ये वाले और ये वाला हमने रियल पार्ट ये बराबर लिख दिया। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड हमारी बन गई। ठीक है, अब बस देखिए हमें प्रूफ देखिए ये करना है, तो अब इजीली हो जाएगा। देखिए अब मैं आपको थोड़ा ऊपर से रफ कर रहा हूं, यहां बताता हूं। ठीक है, यहां तो आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, मैं आपको यहां बता रहा हूं, डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन थर्ड को, कर दीजिए डिवाइड। डिवाइड करने से आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, अब मैं वो भी आपको करके दिखा रहा हूं। ठीक है, वो वाला पार्ट्स भी आपको करके मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, सेकंड और थर्ड का तो ये तो हम पता है डिवाइड का रूल, ये वाला पार्ट साइन एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक वाई इंटू कोस एक्स, ये वाला पार्ट का इससे डिवाइड किया, फिर ये वाला देखिए ये आएगा हमारा साइन टू थीटा अपॉन कोस टू थीटा प्लस कोस हाइपरबोलिक टू फाई और अपॉन में कोसाइन हाइपरबोलिक टू फाई और अपॉन कोस टू थीटा प्लस कोस हाइपरबोलिक टू फाई, तो ये आ गया, इससे हमारा ये वाला पार्ट कैंसिल हुआ। ठीक है, यहाँ का भी रफ कर दे रहा हूँ भाई, जो हमने किया भाई ये इक्वेशन सेकंड और थर्ड है। ठीक है, फिर इसके बाद डायरेक्टली हम ये लिखते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं, देखिए इसके अकॉर्डिंग लिखना है हमें, फिर इसे लिख देंगे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स ऊपर नीचे अलग अलग करके, फिर कोस हाइपरबोलिक वाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल्स टू, ये आ गया हमारा साइन टू थीटा इज एज इट इज रखना और साइन हाइपरबोलिक टू फाई इज एज इट इज ऐसी रखना, थोड़ा लेंथ है बट इजी हो जाएगा हमारा, इसे आप एज इट इज ऐसी रखो क्योंकि हमें वहां प्रूफ देखिए क्या करना है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। हाँ देखिए, इसे आप कोट एक्स लिख सकते हो इनटू इसे लिख सकते हो कोट हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल्स टू साइन टू थीटा अपॉन साइन हाइपरबोलिक टू फाई। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देना तो डायरेक्टली आपका क्वेश्चन हो जाएगा सर, ये आप करोगे कोट हाइपरबोलिक वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक टू फाई, इसके हमने मल्टीप्लाई इधर की और ये हमारा इधर आ जाएगा, फिर ये साइन टू थीटा और ये हमारा हो जाएगा कोट एक्स। ठीक है भाई, क्या क्या हमने सेकंड और थर्ड का डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड करने के बाद देखिए ये हमारा टेन बनेगा, देखिए हमने मिस्टेक कर दी, ये हमारा टेन है ना, साइन अपॉन कोस टेन होता है, तो टेन ये हम इधर उठा के ले गए, ये वाला पार्ट हमने यहां ले गए, तो हमारे ये वाला पार्ट आ गया टेन, हम नीचे ले जाएंगे ऊपर जाके हमारा कोट हो जाएगा।
ठीक है, और यहां लिख देंगे हमारा हैज प्रूव्ड। देखिए बस थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है। तो भाई आज के लिए हम यही रखते हैं बस, और आज की ये फर्स्ट एक्सरसाइज की हमारी लास्ट वीडियो थी। अब देखिए अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो लोगरिथम्स वाला स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा, लोगरिथम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अगर इस एक्सरसाइज के भाई अगर इस एक्सरसाइज के आपके अब भी कोई क्वेश्चन रह गए हैं और जो कुछ वो भी क्वेश्चन है तो आप फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप में जाकर आप पूछिए, या जो भी है उसकी भी मैं एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मैंने आपको लगभग हर टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, इससे आपको वी मिलेगा कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री किस लेवल तक की पूछी जा रही है बीए बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स वगैरह में, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। कमेंट करके बताने वीडियो कैसी लगी, भाई मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी भाई थोड़ा सा मेहनत तो करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो पक्का ही करें, ठीक है। और अब आपकी बैक टू बैक वीडियोस आती रहेंगी, ग्रुप की भी और ट्रिग्नोमेट्री की भी, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है और बैक टू बैक इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, ठीक है। काफ़ी टाइम में भी हमारी वीडियोस आई है, बट बताना जरूर आपको कैसा लगा, कि समझ आया या नहीं आया, ठीक है। जहाँ समझ नहीं आया मैं आपको और सुधार करने की कोशिश करूँगा, बस आप मेहनत से पढ़ें, मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ तो भाई आप भी पूरी मेहनत को वसूल करें बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, कौन से, लॉगरिथम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड चैप्टर है, ठीक है। बेसिक बेसिक आपको सारा करा दिया जाएगा सब चैप्टर्स का। आप ये मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों को जो कमेंट आ रहे हैं कि आप पास तो आप पक्का हो ही जाओगे, ठीक है, तीनों बुकों में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।